राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर आक्रामक दिखाई दे रही है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के दिशा निर्देशों में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मालखरौदा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मालखरौदा के तत्वाधान में पूर्व विधायक प्रत्याशी जयपुर विधानसभा अनिल चंद्रा के उपस्थिति में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मालखरौदा के अध्यक्ष कुसुमलता अजगले द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जहां अनिल चंद्रा ने कहा कि देश की समस्या को राहुल गांधी ने संसद में उठाना चाहा, जिसे साजिश के तहत बंद किया गया है और संसदीय सदस्यता समाप्त की गई है। उसकी उन्होंने निंदा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की गई, जिससे लोग उनसे जुड़ते गए, जिससे भाजपा डर गई है। जैसे राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की, आज इतना त्वरित बिजली टाइप घटना, लोकसभा सचिवालय जो आज इतना एक्टिव होके 24 घंटे के अंदर उनको 2 साल की सजा दी, आज उसके 24 घंटे के अंदर उनको मकान खाली करने बोला गया। आखिर राहुल गांधी जी ने पूछा क्या है? अडानी जी से आपका रिश्ता क्या है? आप श्रीलंका जाते हैं, आप बांग्लादेश जाते हैं, आप इसराइल जाते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में SBI के चेयरमैन के साथ मीटिंग करते हैं, आप अडानी के प्लेन में घूमते हैं, तो आप रिश्ता क्या कहलाता है आपका? ये पूछना कोई गुनाह नहीं है। आज उन्होंने हर आम जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया है, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा का काम किया है, और इस तानाशाही के खिलाफ राहुल गांधी जी के साथ कांग्रेस का हर सिपाही मजबूती से खड़ा है, उनके साथ खड़ा है, उनकी आवाज़ पे पूरा देश खड़ा है। मालखरौदा से सत्यपाल बंजारे की रिपोर्ट।